सुरक्षा है नहीं, पुलिस को कंप्लेंट करो तो बहुत देर में आती है। यहाँ पे बच्चे उठाने वाले भी आते हैं, उठा के ले जाते हैं, लड़कियों को ले जाते हैं, बलात्कार कर जाते हैं बच्चों का, ले जाते हैं। एक रेप केस आया था, हाँ यहीं से गया था, कॉलोनी का ही था कोई। जब मर्जी ताले वगैरह टूट जाते हैं, चोरी चकारी गाड़ी उड़ जाती है, हमारी खुद गाड़ी उड़ जाती है। पुलिस वाले चोर है, पैसा खाते हैं, घूस लेते हैं ना तो गाड़ी बंद कर देते हैं। बताओ, जूस भी पी रहे हैं, बड़ी मेहनत से पी रहे हैं, वो ही पुलिस वाले छीन लेते हैं। पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है, क्योंकि पुलिस को जाता महीना, पुलिस पैसा लेती है, सीधी सी बात है। यहाँ पर दो मिनट में मर्डर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या सुविधा। लड़कियाँ बढ़िया रोज आए दिन छेड़ते हैं, पुलिस वाले कोई सुविधा भी समय मस्त नहीं है। जहाँ जाते हैं साइकिल भी छीनने की कोशिश करते हैं लोग, बाग चार पांच जने इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हमारे को बहुत तेजी से चलानी पड़ती है साइकिल। हाँ मैम, ज्यादा सर नशा ही बिकता है कॉलोनी में, स्मैक वगैरह, ड्रग्स वगैरह, इसी वजह से कॉलोनी बेकार हो रही है हमारी। समस्या हमारे जैसे भाइयों को है, क्योंकि हम एडिट हो रहे हैं नशे के। पड़ोस में मिलता है बंदा, क्या सोचता है कि यार यहीं मिल रहा है, यहीं से ले ले, यहीं बैठ जाएंगे, पी लेंगे, खा लेंगे, अपना पीता खाता है बंदा, फिर वही क्राइम के माइंड आता है, क्राइम करने चलो। छोटे छोटे लड़के जो गांजा पीते थे, वो आज स्मैक पी रहे हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त आज हम मौजूद हैं वजीरपुर की जेजे कॉलोनी में। जेजे कॉलोनी ऐसे तो यहाँ पर मानी जाती है कि वजीरपुर की जेजे कॉलोनी काफ़ी बदनाम है। यहाँ पर आपको नशा, यहाँ पर आपको असुरक्षा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आज हम यहाँ पर अपनी रिपोर्ट के ज़रिए पता लगाएंगे, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला, ये इस पूरे बात के पीछे कितनी सच्चाई है। कितनी सुरक्षित लगती है आपको ये कॉलोनी? हम तो अपने आप से सुरक्षित रहते हैं। मतलब यहाँ पे सुरक्षा पुलिस वगैरह होती है? नहीं होती पुलिस, कोई जाँच पड़ताल? सुरक्षा तो है नहीं, पुलिस को कंप्लेंट करो तो बहुत देर में आती है, सारे जब लड़ मर गए हो जाते हैं, जब जिसके बाद आती है। क्या बोलता, इतना अच्छा क्या पूछो मत, इतनी गंदगी है यहाँ पे कि हद से ज्यादा बहन बेटी निकल नहीं सकती यहाँ से। लड़ाइयाँ यहाँ हो गए, बहन बेटी को यहाँ छेड़े लोग, क्या क्या बताएं यहाँ पे आप लोगों को। हर चीज तो यहाँ बेकार है, कोई देखने वाला नहीं, कोई छुड़ाने जाए तो उसी को माँ बहन करते। शाम को देखो तो यहाँ गली में ढेर हो जाएंगे, तेरी माँ तेरी बहन करेंगे दारू पी के। कौन से लड़ाई करें या जो से लड़ाई करें, वो छुरी दिखा के भाग जाता है। फिर तो ये सब दिन में होता है या रात में? दिन में भी हो जाता है, कभी रात को भी हो जाता है। रात को तो वैसे अंधेरा हो जाता है, इसकी रोशनी वहाँ तक जाती नहीं है लाइटों की। अच्छा है, अब कोई बहन बेटी निकल रही पकड़ के ऐसे छीन कर दिया। अच्छा। तो लड़ाई तो हो ही नहीं होनी है ना, फिर पहले वो निकालते हैं रामपुरी। हाँ कोई नहीं बोलता किसी के बारे में, क्या बोलेगा, जो बोलेगा वही पिटेगा यहाँ तो। हाँ चलिए भैया, कोई ना बोलता, जैसा चल रहा है चलता रहे। कैसा लगता है तुम्हें ये एरिया? गंदा। क्यों, क्या होता है, ऐसा क्या देखा तुमने? यहाँ पे बच्चे उठाने वाले भी आते हैं, उठा के ले जाते हैं, लड़कियों को ले जाते हैं, बलात्कार कर जाते हैं बच्चों का, ले जाते हैं। यहीं पे भी कुछ दिन पहले, मतलब महीने पहले शायद, एक रेप केस आया था। हाँ यहीं से गया था, कॉलोनी का ही था कोई। यहाँ पर नशा और ये सब चीजें चलती हैं, तो ये सच है क्या? हाँ मैम, ज्यादा सर नशा ही बिकता है कॉलोनी में, स्मैक वगैरह, ड्रग्स वगैरह, इसी वजह से कॉलोनी बेकार हो रही है हमारी। नशे के कारण बंदे गलत गलत काम करते हैं, क्राइम करते हैं, एक नशे के कारण ही करते हैं, वैसे तो किसी का माइंड चलता नहीं बिना नशे के। अच्छा, वैसे अभी थोड़ी सी बातचीत करी हमने, तो बता रहे हैं कि कॉलोनी के लोग ही होते हैं नशा करने वाले, बेचने वाले भी कॉलोनी के लोग हैं और नशा करने वाले भी कॉलोनी के लोग हैं। तो फिर समस्या किसे है? समस्या हमारे जैसे भाइयों को है, क्योंकि हम एडिट हो रहे हैं नशे के, उस दौरान नशे में जा रहे हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, उस चीज में घुस रहे हम। अच्छा, आप लोग भी उसमें घुस रहे हैं? हाँ मैम, इसलिए तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे बंद हो जाएगा तो कोई करेगा ही नहीं, नशा ही बंद हो जाएगा। यहाँ ज्यादातर पड़ोस में मिलता है बंदा, क्या सोचता है कि यार यहीं मिल रहा है, यहीं से ले ले, यहीं बैठ जाएंगे, पी लेंगे, खा लेंगे, अपना पीता खाता है बंदा, फिर वही क्राइम के माइंड आता है, क्राइम करने चलो। कि मैम पैसे नहीं होते बंदों पे, बाइक देखो नशा है, ऐसा जॉब कर नहीं सकता बंदा, ये नशा ऐसा है। दारू भी बिकती है, स्मैक भी बिकती है मैम, गांजा भी बिकता है, ड्रग्स भी बिकता है, हर वैरायटी के मतलब नशा है इस कॉलोनी में। जो बंदे अनेवेबल कर रहे हैं, सारे लोग पी रहे हैं, लड़के हमारे जैसे जनरेशन, छोटे छोटे लड़के जो गांजा पीते थे, वो आज स्मैक पी रहे हैं। कितनी कितनी उम्र होगी? उम्र है मैम मेरी तो वैसे 25 साल है, मेरे को 8-9 साल हो गए पीते पीते। गलत ही लगता है? लगता है मैडम, क्या करें, मगर कॉलोनी में मिलता है, पी लेते हैं, कोशिश करते हैं मैम छोड़ने की, नहीं छूटता, क्या करें, जो पास में चीज मिल रही है तो यार कैसे छूट जाएगी, अगर ये चीज बंद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है और कोई छोड़ देगा। आपके दोस्त भी होंगे? बहुत है मैम, सारे पीने खाने वाले मैम, ये नशा ही ऐसा है कॉलोनी में, इतने इतने से बच्चे है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, वो भी आज स्मैक पी रहे, जो गांजा पीते थे वो भी स्मैक पी रहे। आप भी करते हो नशा? तो नाम बता के नशा करते हैं, अपना जो होते हैं पैसे तो कर लेते हैं, नहीं होता तो नहीं करते। माइंड आउट रहता, नहीं करते तो मतलब फिजिकल दिमाग रहता है कि कुछ करे गलत, जब जाके हमारा कुछ होगा। पैसा कितना देते हो? पैसों का तो ये हिसाब है, देखो एक चीज आती है 300 रुपए की भी है, 500 की भी है, और 1600 रुपए की भी है, अलग अलग वैरायटी है, जैसे दारू की अलग अलग वैरायटी है, ऐसी मैडम इसकी भी अलग अलग वैरायटी। और ये हम सारे हमारा सर्कल फ्रेंड सर्कल है स्मैक का, मैडम बिक रही है जब ही कर रहे हैं, बंद करवा दो बहुत बेटर होगा, घरों की माँओं की दुआएं लग जाएगी।
कि यहाँ किसी ने बंद तो करवाया। आप भी करते भैया नशा? तो अभी क्या खा रहे हो? गुटखा खा रहा हूँ। तो ये क्या है? शौक के लिए खा रहे थे कभी कभार। ऐसी चीजों का भी शौक होता है क्या? और क्या, सबका शौक होता है। दांत अच्छे लग रहे हैं, लाल लाल। ताले वगैरह टूट जाते हैं, कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ। बस रह रहे हैं, बस घरवा रहे हैं हमारा, और कोई फैसिलिटी नहीं है। जब मर्जी ताले वगैरह टूट जाते हैं, चोरी चकारी गाड़ी उठ जाती है, हमारी खुद गाड़ी उठ जाती है। घर के ताले टूट जाते हैं तो मैम गाड़ी कौन देखेगा रात को? अपनी नींद खराब करके कौन आएगा रात को गाड़ी देखने? ले जाते हैं नशा पत्ती के लिए। यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं मैडम। सुरक्षित क्यों नहीं लगता है आप? मैडम यहाँ पे जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा हो तो अपना अपना सोचता है सर आदमी, कोई कुछ नहीं है। मतलब काम जिसका काम होगा उसको छोड़ के दूसरे को पकड़ लेते हैं, उड़ के जिसके पास पैसा दिखेगा उसके पास भागते हैं। यहाँ पे पुलिस वगैरह रहती है क्या तैनात? ना कुछ ना रहती, काम होने के बाद पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे। और क्या, पुलिस वाले चोर हैं, पैसा खाते हैं। तो भैया रोकते नहीं हो आप? हम क्या रोकते, हम पब्लिक है, हमारे डंडे मारेगी खुद, सिलेंडर लगाते हैं जी, क्या करे। पुलिस वाले से उलझे क्या करे, देता हूँ गाड़ी की एंट्री जाती है, घूस लेते हैं ना तो गाड़ी बंद कर देते हैं। बताओ जूस भी पी रहे हैं, बड़ी मेहनत से पी रहे हैं, वो भी पुलिस वाले छीन लेते हैं। जूस भी छीन लेते हैं, जूस के पैसे छीन लेते हैं। सबसे नशा देखना, 50 रुपये लेके जाओ, नशा ही नशा बिकता है ये चौक पार करते ही। निकल गए पुलिस वाले, पैक खाली महीना लेने आते हैं। ये बताओ कि आपकी कॉलोनी कितनी ज्यादा सुरक्षित है, क्या लगता है? क्या सुरक्षित है, लड़कियां बढ़ के रोज आए दिन छेड़ते हैं पुलिस वाले, कोई सुविधा भी मस्त में मस्त नहीं है। वो छेड़ने वाले कहाँ, बाहर से आते हैं? भग जाते हैं जी, बाहर के होते हैं कॉलोनी के। कॉलोनी का भी क्या क्या कह सकते हैं हम, बताओ ना, ये थोड़ा कह सकते हैं कहाँ के होते हैं, बाहर के होते हैं, यहाँ के होते हैं। जहाँ जाते हैं साइकिल भी छीनने की कोशिश करते हैं लोग, बाग 4-5 जने इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हमारे को बहुत तेजी से चलानी पड़ती है साइकिल। तो मतलब ये कॉलोनी कैसी है जहाँ पे मतलब कोई बोल रहा है जूस छीन ले रहे हैं, कोई बोल रहा है साइकिल छीन ले रहे हैं, मतलब छीना झपटी वाला कह सकते हैं? किसी चीज की सुरक्षा नहीं है। क्या खराब है यहाँ? सब कुछ खराब, गुंडागर्दी आए दिन, लड़ाई, दंगे, फसाद, नशा, सब कुछ होता है यहाँ। कॉलोनी बहुत खराब है, सबसे ज्यादा नशा खुलेआम चलता है। क्या खुलेआम नशा चलता है? या कोई किसी का रोक टोक नहीं है, ना कोई पुलिस सुरक्षा है, ना कुछ है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अंदर दुनिया भर के नशेड़ी बैठते हैं शाम को 4-5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद। अच्छा, ऑफिस के अंदर? हाँ, ऑफिस के अंदर। ये तो जो स्टाफ है वो तो शाम को चला जाता है, उसके बाद ये ग्रिले फांद फूंद के और ऊपर अंदर रह के ड्रग्स वगैरह लेते हैं ये सब। अच्छा, ये जो नशा करते हैं ये लोग मतलब बाहर से आते हैं या कॉलोनी के ही होते हैं? कॉलोनी के ही होते हैं, और इस कॉलोनी के अंदर भी सारा नशा बिकता है, ठीक है जी। और पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है, क्योंकि पुलिस को जाता महीना, पुलिस पैसा लेती है, सीधी सी बात है। कोई कार्रवाई नहीं होती, गुंडागर्दी होती है इस रोड पे। रात को कोई बेचारा गरीब आदमी अपनी ड्यूटी से आ रहा है तो उसके पैसे छीन लेते हैं। दुनिया भर के क्राइम है यहाँ पे, दुनिया भर की बदमाशी है। पार्क के अंदर जाएंगे, पार्क के अंदर बैठने का धर्म ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, सब व्यवस्था खराब हो। जो छुपा हुआ कैमरा होता है ना वो लेके आइए, हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे नशा बिकता है, ठीक है जी, और कहाँ पे सारा काम होता है ये आपको ओपन करके दिखा देंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा वो रहना पड़ेगा, छुप के रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। कितनी सुरक्षित है आपकी कॉलोनी? बेकार है, बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर 2 मिनट में मर्डर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, मतलब कि माहौल बहुत बेकार है इधर का। जब मर्जी किसी के चाकू लग जाते हैं यहाँ पर, कुछ ही हो जाता है। चंद्र गांजा तीन चरस आप जिस इलाके में इस समय जहाँ खड़े हो ना, यहाँ भी पूरी दारू बिकती है, और डी ब्लॉक हर जगह दारू बिकती है, हर जगह दारू बिकती है। पूरा कॉलोनी ही दारू का भंडार है ये, मतलब घरों के अंदर अंदर, घरों के अंदर अंदर बिकती है, पूरा कॉलोनी का भंडार है ये। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको न मिले, सोडा अफीम वगैरह सारा सब मिलता है। कोई जगह ऐसी नहीं जो चीज़ ना मिलती है, हर चीज़ मिलती है, बदमाश से मिलेंगे ऐसे टॉप, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पर। कोई जैसी जगह नहीं है जहाँ कुछ ना होता है, हर चीज़ मिलती है। चौकी के पीछे सुल्तान गांड के पीछे, उसके पीछे दारू मिलती है रात को, दिन में जब मेरे चौकी जस्ट पीछे ही मिलती है दारू, उसके सामने जाओगे खुल्ला बिकता है, हर हफ्ते महीना चलता है, महीने महीने 20-30 हज़ार महीना जाता है। जो खुला बिकेगा 20-30 हज़ार का देगा, इंचार्ज भी है इसके अंदर, चीज़ है सारा मिली बिकाता है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये थी आपकी वजीरपुर की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो ज़्यादा शेयर करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।